नमस्कार सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारा शोरूम है, स्टोर है MI रोड जयपुर राजस्थान में, शर्मास फैब्रिक, जो कि एक्सक्लूसिव शोरूम है रेमंड का। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियोस लाते हैं नॉलेजेबल। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा, हम आप लोगों को बताएंगे जोधपुरी सूट्स के लिए बताएंगे। जोधपुरी सूट्स को हम बंद गला सूट भी बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको क्लोज नेक जैकेट सूट बोलते हैं, क्लोज नेक सूट बोलते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो ये जोधपुरी जो सूट है ये ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट है। ये वेस्टर्न में नहीं चलता है, आउट ऑफ इंडिया में नहीं चलता है, ये सिर्फ हमारे भारत में चलता है। और अगर इसका हिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, सभी को, इसका जोधपुरी जो सूट है वो नाम कैसे पड़ा, जो बंद गला हम पहनते हैं, इसका जो ओरिजिन है, जो हमारा राजा और जो किंग्स वगैरह थे एंशियंट टाइम में, वो लोग पहनते थे, एक अचकन पहनते थे, लॉन्ग पहनते थे। तो उसी को जो चेंजेस हुआ 19th सेंचुरी में आते आते, तो 19th सेंचुरी में उनको अचकन को शॉर्ट करके जोधपुरी बनाया। जोधपुरी भी नहीं बोलते थे उस टाइम पे, 19th सेंचुरी जो 1850 के बाद ये चलन में आया है। और इसका जोधपुरी जो नाम है वो एक स्टोरी है, जो हमारे जोधपुर के महाराज थे प्रताप सिंह, तो उनकी वजह से जोधपुरी सूट बोला गया है। वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा स्टोरी कि क्यों इसका नाम जोधपुरी पड़ा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, सूट के कपड़े दिखाएंगे, जो ये बंद गला जो सूट है, जो जोधपुरी सूट है, उसके लिए हम बताएंगे कि कौन कौन से जो सबसे ज्यादा चलने वाले सूट के कलर जो है वो हम बताएंगे। और ये जो कपड़े हम दिखाएंगे आपको, फैब्रिक दिखाएंगे, ये टेरी वुल में दिखाएंगे, ताकि इनका आप सूट आसानी से बना सकते हैं। और मैंने अपने पिछले जो वीडियोज हैं उनमें बताया है कि ऑलवेज यूज टेरी वुल फॉर द सूट। सो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। हमारे साथ है महेश जी, है हमारे साथ, और आप देख सकते हैं हमारे साथ राम जी भी हैं। तो अब मैं महेश जी को बोलूंगा कि जो सबसे ज्यादा, महेश जी चलते हैं ना जोधपुरी सूट में कलर, वो आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, सबसे ज्यादा चलने वाले कलर्स दिखा दीजिए आप महेश जी। तो देखिए जो फर्स्ट कलर है हमारा, ये नेवी ब्लू में है, और इसमें टेक्सचर है, ये टेरी वुल का कपड़ा है, इसमें टेक्सचर है, आप देख सकते हैं इसमें सेल्फ में डॉट है। तो ये जो क्लोज नेक जो सूट है, जो जोधपुरी सूट है, जो बंद गला सूट है, उसमें सबसे ज्यादा चलता है, ये देख सकते हैं नेवी ब्लू में है। और जो सेकंड कलर है वो आप दिखाएं महेश जी। मैं हमारे सभी व्यूअर्स को बता दूं कि सबसे ज्यादा जो जोधपुरी सूट में कलर चलता है वो चलता है फर्स्ट नंबर पे ब्लैक, एंड सेकंड नंबर पे जो चलता है क्रीम कलर चलता है, आइवरी कलर का जो होता है वो चलता है। तो ब्लैक आप देख लीजिए, ये सॉलिड प्लेन में ब्लैक है, टेरिबुल का है, इसमें हल्का सा शाइन है, बहुत प्यारी चीज है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छा है। और इसी में मैं आपको ब्लैक भी दिखाना चाहता हूँ महेश जी, आप ब्लैक भी दिखा दीजिए टेक्सचर में, क्योंकि टेक्सचर अभी क्या ट्रेंड में है। और सभी को मैं बता दूं कि जो आउटफिट होता है वो मैंने जो पहना हुआ है आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल जोधपुरी नहीं है, ये अभी जो चल रहा है लेटेस्ट में वो जोधपुरी मैंने पहना हुआ है, आप देख सकते हैं क्लोज नेक है। मैंने इसका जो पैंट है वो कॉम्बिनेशन पैंट डाला हुआ है ग्रे कलर का। अगर हम सूट की बात करेंगे तो सूट में सेम पैंट आएगा, आप कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं और कंट्रास्ट भी डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए ये देख लीजिए, ये टेक्सचर में ब्लैक बहुत चल रहा है। तो मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, जो ट्रेडिशनल जोधपुरी में क्या फर्क रहता है, वो जो यहां से जो मेरा गैप है बीच में नेक में, वो गैप में हुक लगता है और पूरा क्लोज हो जाता है। और सेकंड जो ऑप्शन रहता है उसमें, जो ट्रेडिशनल था पहले के जमाने में जो हम पहनते थे, अभी भी आजकल प्रीफर करते हैं, यहां से जो कट है वो स्ट्रेट कट रहता था, ये मेरा कर्व है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा महेश जी, आप एक क्रीम कलर भी दिखा दीजिए, जो सबसे ज्यादा चलता है वो ही कलर आप दिखाएं। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत अच्छी चीज है, टेरिबुल में है, लाइट ऑफ वाइट बोल लीजिए इसको, क्रीम कलर बोल लीजिए या आइवरी शेड बोल लीजिए, ये सारे बहुत ज्यादा चलते हैं जोधपुरी सूट्स के लिए। अब
और शेड दिखा दीजिए। आज हम लोग आपको सिर्फ वही शेड दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं, मतलब ये कलर्स आप बिना सोचे समझे पहन सकते हैं। अगर आपको क्लोज नेक सूट चाहिए या जोधपुरी सूट चाहिए या बंद गला कह लीजिए उसको, ये शेड थोड़ा सा नया है पर बहुत अच्छा शेड है। इसमें टेक्सचर भी है, आप टेक्सचर देखिए, बहुत प्यारा शेड है। अब एक शेड और बचा है, वो भी मैं बता देता हूं। तो हाँ, इसका जोधपुरी नाम मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जोधपुरी नाम कैसे पड़ा, तो हमारे जो जोधपुर के महाराज थे वो गए थे इंग्लैंड लंदन में, तो उनका जो था लगेज था वो लगेज मिसप्लेस हो गया, मतलब गुम गया लंदन में जाने के बाद। अब वो लेके गए थे लॉन्ग वाला जो अचकन वगैरह चलता था, तो उन्होंने वहां पे एक टेलर था, उस टेलर को जाके बोला कि मुझे ऐसा बनवाना है। टेलर को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने डिजाइन बताया और उसको शॉर्ट कर दिया जो अचकन का डिजाइन था। तो टेलर ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, या टेलर ने उनसे पूछा कि इस डिजाइन का नाम क्या है, और जो महाराजा थे हमारे प्रताप सिंह जी उनको सुनाई दिया कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला, जवाब दिया जोधपुर। तो वहीं से इसका जो डिजाइन है, इसका जो ओरिजिन है, तो वो सारे टेलर जो थे विदेशी है, वो इसको जोधपुर जोधपुर सूट कहने लग गए, तो वो जोधपुर ही पड़ा है। और जोधपुर जो है हमारे राजस्थान में है, सभी जानते हैं, और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमने दिखाई है, ये आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और हमारा शोरूम जो है जयपुर MI रोड राजस्थान में है, वहां पे आप विजिट भी कर सकते हैं। तो महेश जी, आप प्लीज लास्ट कलर जो है वो भी आप दिखा दीजिए। ये शेड बहुत अच्छा है, बहुत क्लासी शेड है। इस शेड की अगर हम बात करें तो ये डार्क पर्पल है, क्लोज टू ब्लैक है, पर ये एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है, पर्पल में है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा शेड है, अगर आपको जोधपुरी सूट में जाना है तो आप जा सकते हैं। और कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो जोधपुरी सूट है सिर्फ प्योर पार्टी वेयर है, प्योर पार्टी वेयर नहीं है, आप इसको ऑफिस मीटिंग्स में भी अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स भी आप इसको पहन के अटेंड कर सकते हैं, और शादी में तो खैर पार्टी वियर है ही, ये बहुत अच्छा है, क्लासी इंडियन आउटफिट है, कोई वेस्टर्न नहीं है, हमारे भारतीय जो पोशाक है वो चीज है। तो आप लोगों को भी गर्व होगा कि ये अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ा सा जो राम जी है हमारे साथ, राम जी को मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा रैप कर दीजिए डमी पे, हम कैसे दिखाते हैं, तो उससे एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं राम जी और महेश जी ने ड्रैप भी कर दिया है ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए फैब्रिक का। प्लीज आप इसका क्लोज व्यू दिखा दीजिए। ये वाला जो राइट हैंड साइड में है, ये पर्पल वाला शेड है, राम जी आप बता दीजिए, ये क्रीम कलर में है और टेक्सचर में है वो वाला, बहुत अच्छी चीज है, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है, बनने के बाद बहुत अच्छा लुक आने वाला है। अभी आपको हैंड टू हैंड ब्लैक वाला और क्रीम जी वाला जी हाँ, आपने जो हमने सारे जो कॉमन कलर्स दिखाए हैं, जो सबसे ज्यादा नॉट कॉमन, जो सबसे ज्यादा चलते हैं जोधपुरी में, वो हमने आपको कलर्स दिखाए हैं। तो ये आइवरी शेड भी हम दिखा सकते हैं, राम जी प्लीज आप लगा दीजिए। ब्लैक में जो हम दिखा रहे हैं, प्लेन ब्लैक हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि प्लेन ब्लैक कॉमन होता है, ये टेक्सचर वाला हम ब्लैक दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं डमी पे कैसा लुक आएगा। तो ये आप लुक देख लीजिए, आप प्लीज थोड़ा सा पास में भी जाके दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा। ब्लैक वाला जो है हमारा टेक्सचर में है, हल्का सा दूर से विजिबल नहीं होगा, ये प्लेन रहेगा, ये प्लेन में है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि एक वो जो ब्लू वाला स्टार्टिंग में दिखाया और जो वाइन शेड अपन ने दिखाया वो आप दिखा दीजिए प्लीज फटाफट। आई होप कि ये चीजें जो हमने दिखाई है और जो हमने नॉलेज दी है इसके बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे ओरिजिनेट हुआ है जोधपुरी, अच्छा लगा होगा। और आप लोग हमें व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, शोरूम पे हमारा विजिट भी कर सकते हैं, शोरूम का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में रहेगा और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये देखिए ट्रैप कर दिया गया है, तो आप प्लीज आप देख लीजिए। राइट हैंड साइड पे टेक्सचर में है, ये जो है ये वाइन शेड में है, ये ब्लू शेड में है, नेवी ब्लू में है, पर दोनों टेक्सचर में है। तो गाइज ये सारी चीजें आपने देख ली है, टेक्सचर वाला जो फैब्रिक हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि ये ज्यादा चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं मैंने जो पहना हुआ है डार्क ब्राउन में है और इसमें भी टेक्सचर है,
तो टेक्सचर अभी ट्रेंड में है इसलिए हमने टेक्सचर वाला ज्यादा यूज लिया है और ये सारी चीजें हमने दिखाई। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल भी हमारा नया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।